समाज सेवी व आम आदमी पार्टी के नेता नाथूराम चौहान ने आज परदूनी क्षेत्र का दौरा किया। बीते दिनों भारी बारिश से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ है, उनसे मिले स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद उन्होंने प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। नाथूराम जी, आप मौके पहुंचे, क्या आपको यहाँ पर लगा, कितने लोग प्रभावित, गाँव कितना नुकसान हुआ? हम लोग परदूनी पंचायत में आज आए तो परदूनी पूरी पंचायत का जो है जमीन तीन खालों में बटी है यहाँ पर, और तीन खालों ने जमीन का नामो निशान मिटा दिया है। हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, फसल पूरी तबाह हो गई है। मैं दुपेश कुमार परदूनी ग्राम का निवासी हूँ। सर, हमारे यहाँ करीबन 2-2.5 बजे के आसपास रात को एक आपदा आई, जिसमें हमारा लगभग समझो पूरा ही गांव तबाह हो गया, जिसमें कुछ लोगों की अपनी निजी ज़मीनें थी जो आज ये खाले बन चुके हैं। सिर्फ रहने के लिए उनके पास एक घर बचा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे रात को छतरियाँ लेके लेंटर पे बैठ के अपना समय बिताया। हम सभी ग्रामवासी ग्राम परदूनी के रहने वाले हैं। यहाँ रात को करीब 2 बजे के लगभग बहुत ज़्यादा पानी आया और सब लोगों की फसलें तबाह हो गई। सिर्फ रहने के लिए घर घर बचा है, सभी के दानों की फसल थी, सब बर्बाद हो गई। और हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ सरकार करे, कोई डंगा लगाए यहाँ पर। यह हमारे आगे एक खेत है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड्डे पड़ चुके हैं, रेत ऊपर चढ़ चुका है खेतों में हमारे। वहाँ नीचे तक जहाँ तक नज़र जा रही है, सारे हमारे खेत थे, सब में रेत चढ़ चुका है, खेती जोगे नहीं रहे, कई सालों तक ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर खेती कुछ नहीं की जा सकती। सरकार दो आई, हमारे आश्वासन देके चली गई, अभी तक कोई मतलब राहत नहीं मिली है यहाँ से। हमें अभी भी बहुत रिस्क है रहने में, मतलब घर तो हमारा रिस्क है ही है, पर हमारी ज़मीन, मतलब आने वाले समय तक कोई भी सोर्स नहीं रहा हमारे पास ना। देखो जी, हमारा ये इतना फसल का पूरा 40 बीघे का नुकसान हो चुका है, और ये हाँ ये सारा पानी हमारे इधर आया है पुराने मकान पे, और सरकार की तरफ से, यानी कि देख लो जी, इधर सारा ये हम बह जाते और पूरा परिवार साथ में था। रात को हमने पूरी रात ऐसे ही काटी, सरकार की तरफ से हमारे को कोई भी सहायता नहीं मिली।